हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मिनरल एंड रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिनरल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मिनरल्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो हम मिनरल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं या डिफरेंट मिनरल्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो हम करते हैं उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन मिनरल्स बी डिफ्रेंशिएटेड। जो हम मिनरल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम उस टाइम में किस किस प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करते हैं, किस किस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करते हैं? इसमें हम करते हैं कलर, डेंसिटी और हार्डनेस को। ऑन व्हाट केमिकल प्रॉपर्टी कैन मिनरल्स बी डिफ्रेंशिएटेड, और किस केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम मिनरल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली। तो मिनरल्स का जो कंपोजिशन है उसमें किस तरीके के एटम्स हैं, किस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, इस बेसिस पे हम मिनरल्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेटालिक और दूसरा होगा नॉन मेटालिक। ठीक है, तो जो मेटल वैसा मिनरल जिसमें क्या होगा मेटल्स होगा उसको बोलेंगे मेटालिक मिनरल्स, और जिसमें नॉन मेटल्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटालिक मिनरल्स। व्हाट डू मेटालिक मिनरल्स कंटेन। तो मेटालिक मिनरल्स के अंदर क्या होता है, उसमें होता है मेटल इन क्रूड फॉर्म। व्हाट आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मेटल्स। तो सिंपली ये क्वेश्चन है कि जो भी मेटल होगा जैसे कि आयरन है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब क्या प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, एक तो वो हार्ड होगा, है ना, साइन, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड क्या होता है, साइनी होता है ना, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि सिल्वर, सिल्वर क्या है, वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये सिल्वर भी क्या है, एक मेटल है। व्हाट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स का कुछ एग्जाम्पल, तो उस पहला तो हो गया आयरन ओर, बॉक्साइड जो किसका ओर होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है, फिर मैग्नीज ओर। व्हाट आर द सम ऑफ द फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स कौन कौन से, ठीक है, तो वो है आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट। सम ऑफ द नॉन फेरस मिनरल्स, तो कुछ नॉन फेरस मिनरल्स का नाम बताना है, तो वह है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। व्हाट डू फेरस मिनरल्स कंटेन। तो कोई भी अगर फेरस मिनरल है इसका मतलब ये होगा कि उसमें क्या होगा, आयरन होगा। ठीक है, वाट आर सम ऑफ द नॉन मेटेलिक मिनरल, कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स का एग्जाम्पल, तो वो है लाइमस्टोन, माइका, सॉल्ट और पोटास। वाट नेचर डू मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम हैव। तो इसे कि कोल और पेट्रोलियम भी एक तरीके का मिनरल ही है ना, रिसोर्सेज है। तो इसका क्या नेचर क्या होता है कि ये कैसे होते हैं, ये नॉन मेटेलिक होते हैं। कैसे नॉन मेटेलिक, ठीक है, इसमें मेटल तो होता नहीं है इसमें। अब आगे पढ़ना, मेजर मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग जो डिफरेंट मेजरली जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, और वो कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंटेन आयरन कोर। तो अर्थ का कितना, जो क्रस्ट का कितना पार्ट है जो कि आयरन ओर कंटेन करता है, तो अबाउट 5%। वाट आर सम ऑफ द मेजर ओर्स ऑफ आयरन। और आयरन्स के कुछ जो मेजर ओर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वह मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है, ये किसके ओर है, आयरन के ओर है। हाउ मच आयरन कंटेंट इज़ फाउंड इन मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट के फॉर्म में कितने आयरन ओर कंटेंट होते हैं, वो उसमें 72%, अगर कोई भी मैग्नेटाइट ओर है उसमें 70% क्या होगा, आयरन होगा। विच आयरन ओर इज़ यूज मोस्टली इन इंडस्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी बेस्ड। तो इंडस्ट्रीज़ में मेनली कौन सा हम लोग आयरन के ओर का यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग करते हैं हेमेटाइट का यूज़। हाउ मच आयरन कंटेंट इज़ फाउंड इन हेमेटाइट। तो हेमेटाइट में कितना आयरन होता है, वो होता है 50 से 65। इसका मतलब क्या हो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो आयरन है, आयरन का ओर है, वो कौन सा है, वो है हेमेटाइट। ठीक है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लिमोनाइट आयरन ओर। तो लिमोनाइट आयरन ओर का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो होता है ब्राउन। हाउ मच आयरन कंटेंट इज़ फाउंड इन लिमोनाइट ओर। तो जो लिमोनाइट ओर होता है, आयरन का ही ओर है, ठीक है, लेकिन उसमें आयरन कितना होता है, उसमें लेस देन 50% आयरन होता है। ठीक है, लेस देन 50%।
व्हेन लिमोनाइट अकर्स इन स्वाम्स इट इज़ नोन एज, तो जब एक लिमोनाइट जो है एक स्वाम्स के फॉर्म में अकर करता है ना, इस तरीके से अकर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉग आयरन, बॉग आयरन, ठीक है। विच आयरन ओर इज ए कार्बोनेट ऑफ आयरन, तो कौन सा आयरन ओर है जो कि उसमें जो आयरन होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स होता है, ठीक है, वह सीडराइट। आगे बढ़ते हैं। When siderite is found interbedded which carbonaceous rocks it is known as, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सिडराइट जो होता है अगर वो कार्बोनेशियस के साथ पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक बैंड आयरन स्टोन। हाउ मच आयरन कंटेंट इज फाउंड इन सिडराइट, तो सिडराइट ओर में कितना आयरन होता है, उसमें होता है 40-50% आयरन। इन अफ्रीका विच कंट्रीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर, तो अफ्रीका में जो आयरन ओर का जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो कंट्रीज हैं लिबेरिया, साउथ अफ्रीका एंड अल्जीरिया। आगे बढ़ते हैं। वेयर इन ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर रिजर्व्स आर सिचुएटेड, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है आयरन ओर का जो रिजर्व्स है, आयरन ओर के जो माइंस हैं वो कहाँ पे किस साइड में है, वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। विच रीजन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन ऑस्ट्रेलिया, तो आयरन ऑस्ट्रेलिया में भी वेस्टर्न रीजन में भी, तो उसमें वहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन जो है वो कौन सा है, वो है पिलवारा रीजन। कौन सा, पिलवारा रीजन। विच इंडियन स्टेट्स आर मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसर, तो इंडिया में जो मेजर जो आयरन ओर प्रोड्यूसर स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं, तो वह है झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन के वो है ब्राज़ील, ब्राज़ील, ठीक है। विच कंट्रीज़ आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर इन नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका वाले साइड में जो मेजर आयरन प्रोड्यूसर हैं, आयरन ओर के प्रोड्यूसर हैं, वो हैं कौन कौन से, USA और कनाडा। विच कंट्रीज़ ऑफ यूरोप आर द मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसर, यूरोप के कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आयरन ओर का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, वो है स्वीडन और फ्रांस। अब हम पढ़ेंगे बॉक्साइट के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बॉक्साइट इज़ द ऑक्साइड ओर ऑफ विच मेटल, तो बॉक्साइट जो है वो किस मेटल का ऑक्साइड ओर है, तो वो है एल्यूमिनियम का। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द बॉक्साइट, कौन सा सा कंट्री है जो सबसे अधिक प्रोड्यूस भी करता है बॉक्साइट को और सबसे अधिक एक्सपोर्ट भी करता है, तो वो है चाइना। विच मैथड इज़ यूज टू माइन बॉक्साइट, बॉक्साइट का जब माइनिंग करते हैं उस टाइम में कौन सा मैथड हम यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग यूज़ किया जाता है ओपन कास्ट माइनिंग मैथड, ओपन कास्ट माइनिंग मैथड। वेयर आर द मेजर बॉक्साइट रिजर्व्स इन द USA, तो USA में जो बॉक्साइट के मेनली जो रिजर्व्स पाए जाते हैं वो किस रीजन में है, वो अरकानसास, अलाबामा और जॉर्जिया साइड में। Where in France the large bauxite deposits are found, और फ्रांस में किस रीजन में सबसे अधिक बॉक्साइट डिपॉजिट्स हैं, वह है ब्रिंगनॉल्स, नॉर्थ ईस्ट ऑफ तुलान, ठीक है। Where are the major bauxite reserves in Russia, और रशिया में जो बॉक्साइट के रिजर्व्स हैं वो मेनली किस साइड में होते हैं, वो यूराल माउंटेन के साइड में, ठीक है, जो कि यूराल माउंटेन वही है जो रशिया को क्या करता है, एशिया से अलग करता है ना, यूरोप में भेजता है, तो वो है यूराल माउंटेन्स में पाया जाता है। Where in India the large bauxite deposits are found, और इंडिया में जो bauxites के deposits हैं वो किस स्टेट में हैं, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश में। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉपर के बारे में, इन विच रॉक्स आर कॉपर आर फाउंड, तो ऐसे के तीन तरीके का रॉक होता है ना, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक है ना, प्राइमरी रॉक, या फिर इसको इग्नियस रॉक भी बोलते हैं। तो जो कॉपर है, कॉपर किस तरीके के रॉक में पाया जाता है, ये होता है मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में। इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म कॉपर ओर कंटेंस हाउ मच कॉपर मेटल, तो ओरिजिनली जो होता है कोई भी अगर कॉपर ओर है अगर वो 100 kg का है तो उसमें जो कॉपर होगा वो 4 kg ही होगा, मतलब सिर्फ 4%, ठीक है। इन व्हाट फॉर्म्स इज कॉपर फाउंड इन ओर्स, तो ओर्स में जो होता है वो कॉपर का केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, जो कॉपर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड होता है, जैसे कि CuS है ना, कॉपर सल्फाइड, या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। व्हाट आर सल्फाइड एंड ऑक्साइड फॉर्म्स ऑफ कॉपर, और कॉपर के जो सल्फाइड और ऑक्साइड फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं,
वह क्यूपराइट, मेलाकाइट, चालकोसाइट और बोर्नाइट। ठीक है, इन विच इंडस्ट्रीज कॉपर मेटल इज़ यूज्ड मोस्ट, तो कौन से इंडस्ट्री में सबसे अधिक कॉपर मेटल का यूज होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि हम लोग के घर में जो वायर भी होता है उसमें जो अंदर में जो वायर होता है ना वो किस मेटल का बना होता है, वो कॉपर का बना होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच आर द मेजर कॉपर इम्पोर्टिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो सबसे अधिक कॉपर को इम्पोर्ट करते हैं, वो हैं जापान, USA, जर्मनी और UK, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टीन के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ओर ऑफ टीन इज, तो टीन का जो मेन ओर है वो कौन सा है, वह है कैसिटराइट। कौन सा? कैसिटराइट। अब देखिए ओर और मिनरल है, पहले एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं ओर और मिनरल। ठीक है, मिनरल तो वो कोई भी अगर जिसमें भी अगर कोई भी रॉक है, ठीक है, जिसमें क्या है कि किसी भी मेटल का अगर थोड़ा सा भी इंटेंट है वो क्या होगा, मिनरल होगा। लेकिन ओर क्या होता है कि ओर हम वैसे मिनरल्स को बोलेंगे जिसके पास मेटल तो है ना, मेटल तो है लेकिन हम उसको कन्वीनियंटली निकाल भी सकते हैं ना उसको, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अगर 100 रुपीज़ का हम उससे आयरन निकल रहा है और 1000 रुपीज़ मेरा स्पेंडिंग हो रहा, नहीं। और में क्या होगा कि हमको फ़ायदा भी होगा, मतलब कन्वीनियंटली, और वो प्रॉफिटेबल भी होगा। लेकिन सारे, इसका मतलब ये होगा कि सारे मिनरल्स जो हैं, ऑल मिनरल्स हैं ना, वो और नहीं है। ठीक है, लेकिन जितने भी और हैं वो सारे क्या है, मिनरल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फॉर व्हाट पर्पस इज टीन मेजरली कंज्यूम, तो टीन का यूज़ मेनली किस लिए किया जाता है, तो टीन का यूज़ किया जाता है मेनली प्लेटिंग के लिए। विच कंट्रीज़ आर फेमस फॉर टीन प्लेटिंग, तो टीन प्लेटिंग के लिए कौन से कंट्रीज़ फेमस हैं, वह USA, जापान, USSR और ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट टीन रिजर्व एंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन, तो कौन सा कंट्री जिसके पास लार्जेस्ट टीन रिजर्व भी है, और टीन रिजर्व जिसके पास लार्जेस्ट होगा वो सबसे अधिक प्रोड्यूस भी करेगा, तो है चाइना। विच एशियन कंट्रीज़ आर द मेजर प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ टीन, तो कौन सा ऐसे एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि सबसे अधिक टीन को प्रोड्यूस भी करते हैं और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं उतना ही ज़्यादा, तो चाइना, थाईलैंड और मलेशिया। विच अफ्रीकन कंट्रीज़ आर द मेजर टीन प्रोड्यूसर, और अफ्रीका में कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि सबसे अधिक टीन को प्रोड्यूस करते हैं, नाइजीरिया और जायर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे माइका के बारे में। इन विच रॉक्स डस माइका मेनली अकर, तो कौन से रॉक में माइका पाए जाते हैं, वो है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, तीनों रॉक्स में होता है ये माइका। ठीक है, इन विच इंडस्ट्री इज माइका यूज्ड मेनली, तो जो माइका का यूज़ करते हैं वो हम किस इंडस्ट्री में करते हैं, इसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। विच कंट्री इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ माइका, तो माइका मतलब इसको अबरक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो माइका का जो मेनली जो प्रोडक्शन होता है, सबसे अधिक जो प्रोड्यूसर है, तो वो कौन सा है, वो इंडिया। ठीक है, विच कंट्रीज आर द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ माइका, तो जहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वो अधिक एक्सपोर्ट भी करेगा, तो इंडिया भी एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, फिर ब्राज़ील, फिर तंजानिया। विच कंट्रीज आर द प्रोमिनेंट इम्पोर्टर्स ऑफ माइका, तो कौन से कंट्रीज हैं जो टीन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्पोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में, वो है USA, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड। हम लोग पढ़ेंगे टंगस्टन के बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पस इज टंगस्टन मेनली यूज्ड, तो टंगस्टन का हम लोग मेनली किस चीज़ में यूज़ करते हैं, इसका यूज होता है मेकिंग स्टील एलॉयज। एलॉयज क्या होता है कि जो हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके इससे एक अलग चीज़ बनाते हैं, जैसे कि अगर हमको ब्रास बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले हम लेंगे कॉपर। ठीक है, कॉपर के साथ हम क्या मिक्स करेंगे, कॉपर के साथ हम मिक्स करेंगे जिंक, तो क्या बनेगा मेरे पास, ब्रास बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो ये टंगस्टन का यूज़ मेनली कहाँ पे होता है, स्टील एलॉयज को बनाने में। व्हाट काइंड ऑफ मेटल इज टंगस्टन, तो टंगस्टन किस टाइप का मेटल है, तो टंगस्टन एक हैवी मेटल है। व्हाट आर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ टंगस्टन, तो टंगस्टन का जो मेनली कौन कौन सा करेक्टरिस्टिक है, जैसे कि बल्ब होता है, पहले जो बल्ब होता था येलो कलर का, जो बल्ब जलता था उसमें जो फिलामेंट होता था वो भी किसका बना होता था, टंगस्टन का। उसका रीज़न क्या था कि उसका रेसिस्टिविटी काफ़ी हाई होता था और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता था इस वजह से। ठीक है, व्हाट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ टंगस्टन, तो टंगस्टन का जो चीफ सोर्स है, मतलब मेनली जो सोर्स है टंगस्टन का, वो क्या है, वो है वोल्फ्रामाइट। क्या है? वोल्फ्रामाइट।
व्हाट आर अदर मेजर ओर्स ऑफ टंगस्टन? तो टंगस्टन के और भी कौन कौन से ओर्स हैं? वह है स्केलाइट और हबनेराइट, ठीक है। विच कंट्रीज आर द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टंगस्टन? तो टंगस्टन के जो टॉप प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में वो कौन कौन से हैं? वह है USA, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। विच कंट्री इज़ द मेजर इम्पोर्टर ऑफ टंगस्टन? टंगस्टन का टॉप प्रोड्यूसर भी USA है, लेकिन वो इसके साथ साथ वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है ना टंगस्टन का। विच कंट्री आर मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ टंगस्टन? तो कौन से कंट्रीज हैं जो सबसे अधिक टंगस्टन को एक्सपोर्ट करते हैं? वह है पोर्टुगल, ज़ायर, रवांडा और बुरुंडी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, अब जिंक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे मेटल्स हैं। व्हाट आर द टू मेन सोर्सेस ऑफ जिंक? तो हम लोग जिंक जो हम लोगों को मिलता है, ठीक है, तो वो मेनली किस ओर से मिलता है? वो मिलता है हमको जिंक ब्लेंड से और कैलामाइन से। विथ विच मेटल्स इज जिंक नॉर्मली फाउंड? तो जब जिंक का जो ओर होता है उसमें और भी मेनली कौन कौन से मेटल होते हैं? तो जिंक होगा किसके साथ? या तो वो लेड के साथ होगा, लेड का सिंबल क्या होता है? PB। और या तो जिंक होगा किसके साथ? सिल्वर के साथ, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag, ठीक है। विच माइनिंग टेक्निक इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक ओर? तो जिंक ओर के एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सा माइनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं? उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ओपन पीट मैथड या तो ओपन कास्ट मैथड्स। विच कंट्रीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ जिंक? तो पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि टॉप प्रोड्यूसर्स हैं जिंक के? वह चाइना, कैनेडा, रशिया एंड पेरू। विच आर द मोस्ट प्रोडक्टिव जिंक माइंस इन द वर्ल्ड? तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जिंक माइंस के जो मोस्ट प्रोडक्टिव माइंस है, मतलब वहाँ पे सबसे अधिक जिंक है ना माइनिंग किया जाता है जिंक का, तो वो है सुलिवम माइंस, जो कि कहाँ पे है? कनाडा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वेयर आर द मेजर जिंक डिपॉजिट्स फाउंड इन रशिया? तो रशिया में मेनली जिंक डिपॉजिट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? वो हैं सेंट्रल और सदर्न यूराल्स में, ठीक है, सेंट्रल और सदर्न यूराल वाले माउंटेन के रीजन में। वेयर आर द मेजर जिंक डिपॉजिट्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया में जो मेजर जिंक डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो ब्रोकन हिल्स में, माउंट ईशा में और तस्मानिया में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी सोर्सेज के बारे में, ठीक है। जैसे कि अगर कोल है या फिर पेट्रोलियम, ये सब क्या एनर्जी सोर्सेज हैं? तो पहला इसमें है कि कोल। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज कोल? तो कोल किस टाइप का रॉक होता है? वो होता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। वेयर डज कोल अकर इन सेडिमेंट्री रॉक? तो सेडिमेंट कोल जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर कहाँ पे होता है? वो होता है रॉक स्ट्राटा में, और किस फॉर्म में? लेयर्स के फॉर्म में। उसी लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल बेड्स या ऑफ कोल सिम्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोल बेड्स। व्हाट डज कोल कंटेन अपार्ट फ्रॉम कार्बन? तो अगर किसी भी रॉक में अगर कोल है तो उसमें रॉक है तो उसमें कार्बन के अलावा, कोल का अगर रॉक है तो उसमें क्या होगा? कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी होगा उसमें, सल्फर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा। व्हाट डज द हीट वैल्यू ऑफ कोल वैरायटी डिपेंड्स ऑन? तो कोई भी अगर कोई भी मतलब कोल है, ठीक है, हीट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए 1 kg अगर हम कोल को अगर जला रहे हैं तो उससे कितना हमको हीट मिल पा रहा है, ठीक है। तो हीट जो वैल्यू है कोल वैरायटी का वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन का कितना अमाउंट है और उसमें मॉइस्चर का कितना कंटेंट है। विच डिटरमाइंस द मार्केट वैल्यू ऑफ कोल? तो अगर जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कोल वो ज़्यादा मतलब उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा। तो वही बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ कोल किस पे डिपेंड करेगा? उसके हीटिंग वैल्यू पे। व्हाट आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ कोल? तो 4 जो मेन टाइप्स के कोल हैं वो कौन कौन से हैं? वो एंथ्रासाइट, ब्यूटीमिनस, लिग्नाइट और पीट। और जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो कौन सा? एंथ्रासाइट। उसके बाद है विच इज़ द हार्डेस्ट कोल वैरायटी? तो हार्डेस्ट कोल का जो वैरायटी है वो कौन सा है? वो है एंथ्रासाइट। कौन सा? एंथ्रासाइट। हाउ मच कार्बन कंटेंट डज एंथ्रासाइट हैव? तो एंथ्रासाइट के पास कितना कार्बन कंटेंट होता है? वो होता है ऑलमोस्ट 95%, इसलिए इसको बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एंथ्रासाइट कोल? तो एंथ्रासाइट कोल का क्या एडवांटेज है? इसमें है कि इट बर्न्स लॉन्ग एंड लिव्स लेस एस। और लेस एस, एस का मतलब क्या होता है? राख। अगर जो अच्छे से जलेगा उसमें वो राख भी कम देगा, है ना। इस वजह से क्या होता है कि इसमें कार्बन ज़्यादा है, इस वजह से अधिक देर तक ये जलता भी है और इसमें राख भी बहुत कम होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल कोल आउटपुट इज ब्यूटीमिनस कोल? तो जितना भी वर्ल्ड में जितने भी कोल कंटेंट, जितने भी कोल माइंस है, ठीक है,
उसमें सबसे ज़्यादा जो माइंस हैं वो किसके हैं, बिटुमिनस के, ठीक है, वो लगभग 80% है। हाउ मच कार्बन कंटेंट डज बिटुमिनस कोल कंटेंट, जहाँ पे एंथ्रासाइट में कितना होता था 95% कार्बन, लेकिन बिटुमिनस में कितना होता है, वो होता है 60-80%। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लिग्नाइट कोल, और लिग्नाइट कोल जो कि कोल का ही एक टाइप है, उसमें कितना, उसमें उसका और क्या नाम है, उसका नाम है ब्राउन कोल। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर कोल एरियाज इन द वर्ल्ड, जो वो वैसा रीजन जहाँ पे कोल सबसे अधिक अमाउंट में पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो देखेंगे। पहला इसमें चाइना, तो चाइना में कहाँ पे होता है, शांगसी बीजिंग इनर मंगोलिया। यूएसए में द अपलांचियन रीजन बॉर्डर रिवर बेसिन में। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन लीव वॉली, ठीक है। रशिया में होता है मॉस्को में कुंजेक्स इक्स इरकुट्स, ठीक है। फिर जर्मनी में होता है राइनलैंड में लुस्टेया में सार बेसिन में। यूनाइटेड किंगडम में होता है लैंकशायर में, लैंकशायर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। पेट्रोलियम जैसे कि हमको क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। उसमें बोल रहा है विच रॉक्स आर पेट्रोलियम जनरली फाउंड, तो पेट्रोलियम कौन से रॉक में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल इज़ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम कैसा फ्यूल है, पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है। उसके बाद है व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, तो अगर हमको पेट्रोलियम चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। उसके बाद है इन व्हाट सीक्वेंस इज पेट्रोलियम यूजुअली फाउंड, तो पेट्रोलियम जो होता है वो किस सीक्वेंस में पाया जाता है, तो वो होता है वाटर ऑयल और गैस के सीक्वेंस में। व्हाट इज़ पेट्रोलियम मेड अप ऑफ, तो पेट्रोलियम किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं, वैसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इन विच इंडस्ट्रीज आर पेट्रोलियम यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, तो किस इंडस्ट्री में हम पेट्रोलियम को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड्स बनाने में और प्लास्टिक्स बनाने में। हाउ मच ऑयल डज वर्ल्ड नीड एनुअली, तो पूरे वर्ल्ड का कितना डिमांड है ऑयल का हर पूरे साल में, वह 30 बिलियन बैरल्स, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड्स मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, तो पहला यूएसए, यूएसए का टेक्सास और नॉर्थ डेकोटा, सऊदी अरेबिया का वाफ्रा और अल खाफिजा अड इट्सा, कुवैत ग्रेटर बर्गन फील्ड मागवा और अहमदी, ईरान में है अबान अबौजर लाली महसाहर, इराक में किरकुस उमार हल्फाया और जुबैर, वेनेजुएला में है ओरिंको बेसिन मारा काइबो बेसिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गैसेस के बारे में, तो नेचुरल गैसेस कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑयल ट्रैप, मतलब जहाँ पे ऑयल है, ठीक है, तो उसका उसे के पहले गैस होगा फिर ऑयल निकलेगा, ठीक है। नेचुरल गैस में अकर इन एसोसिएशन विद, तो नेचुरल गैस कहाँ पे मिलता है, इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम के साथ मिलता है। व्हाट इज़ नेचुरल गैस मेड अप ऑफ, तो नेचुरल गैस किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स में उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और जैसे कि इसका इसमें क्या होता है कि 80-90% मीथेन होते हैं, मीथेन मीन्स CH4, ठीक है। CH4 कंपाउंड में भी क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ठीक है, जैसे कि CH4 है, तो CH4 में भी क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। व्हाट आर द अदर सोर्सेज यूज बाय द नेचुरल गैस इंडस्ट्री टू एक्सट्रैक्ट गैस, तो मतलब कौन कौन से सोर्सेज से और भी हम नेचुरल गैस हमको मिल सकता है, वो सोर गैस से, टाइड गैस, सेल गैस एंड कोल बेड मीथेन से भी मिल सकता है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, तो कौन सी कंट्री के पास लार्जेस्ट रिजर्व है नेचुरल गैसेस का, वो है ईरान, और नेचुरल गैस का टॉप सप्लायर जो है वो रशिया है, और वो सबसे अधिक सप्लाई किसको करता है, यूरोप को। अब हम पढ़ेंगे टॉप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो पहला रिन्यूएबल एनर्जी का क्या होता है, मतलब होता है कि वो हमेशा, वो कभी भी रिप्लेनिश, मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है, वो मतलब बार बार उसको हम रीन्यू कर सकते हैं। जैसे कि सोलार एनर्जी, ये कहाँ से मिलता है हमको, सन से मिलेगा। वो कहाँ पे, कौन से कंट्रीज का सबसे अधिक पोटेंशियल है इसको बनाने का, वो चाइना यूएसए और जापान। फिर विंड एनर्जी, जो चाइना यूएसए जर्मनी डेनमार्क भी है, ठीक है। और टाइडल एनर्जी, जो टाइड्स, जो सी में जो टाइड्स आते हैं, ठीक है, उसके उससे जो एनर्जी बनता है टाइडल एनर्जी, वो कहाँ पे, वो उसके उसका सबसे अधिक जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है साउथ कोरिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। और बायो एनर्जी का यूएसए, ब्राज़ील और इंडोनेशिया।
ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स, ठीक है, और किस रीजन में वो रहते थे, क्या मतलब उनका किस तरीके का रहना था, किस तरीके का ज्योग्राफिकल लोकेशन को प्रीफर करते थे रहने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।